बस्तर पुलिस को बीती रात बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने शहर में देसी कट्टा लेकर घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने युवक के पास से धारदार ब्लेड भी बरामद की है। आपको बता दें कि सीएसपी हिमसागर सिद्धार्थ ने बताया कि पुलिस को बीती रात सूचना मिली कि शहर के दलपत सागर के पास एक युवक देसी कट्टा लेकर अपराध करने की नीयत से घूम रहा है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम का तत्काल ही मौके पर रवाना किया गया। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस की टीम ने एक संदिग्ध युवक की पहचान करते हुए इसके बाद पुलिस ने संदिग्ध युवक से पूछताछ करते हुए उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस ने युवक के पास से एक देसी कट्टा और धारदार ब्लेड बरामद की। कड़ी पूछताछ में युवक ने देसी कट्टा के बारे में पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी अजय राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कोई व्यक्ति दलपत सागर क्षेत्र में अपने पास अवैध रूप से देसी कट्टा लेकर घूम रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी सिटी कोतवाली हेमन साहू के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर दलपत सागर की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा दलपत सागर क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अजय राजपूत और सूरज निवासी गीदम रोड जगदलपुर का होना बताया गया, जिसकी तलाशी लेने पर जिसके पास एक देसी कट्टा और साथ में कुछ धारदार ब्लेड बरामद हुआ।